जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रही थी कि अदरक की जारना बताइए, अदरक की जारना पारद को कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब तक आप पारे को भूखा नहीं करते, शुद्ध नहीं करते अच्छे तरीके से, तब तक अब अदरक का अमल नहीं कर सकते। भाई का कॉल आया, अदरक की जारना बताओ, तो मैंने कहा कि कैसे किया था आपने, उसको अभी तक पारे को शुद्ध करना भी नहीं आता। तो जो लोग भी पारे को शुद्ध नहीं अच्छे तरीके से कर सकते, वो बीज जारना और अदरक जारना की बात करते हैं तो मन को अजीब सा लगता है। तो बाद में लोग कहते हैं कि आपकी क्रिया गलत है, आपने नुस्खा नहीं सही बताया। तो इस जो भी भाई अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं उसके लिए हमारा चैनल जिम्मेवार नहीं होगा। ये सब अपने तरीके से जो काम करते हैं उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दिए गए बेल को बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पारे को शुद्ध कैसे करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में बहुत पुराने, बहुत देर से काम कर रहे हैं, मास्टर हैं, हुक्मा हैं, कह लो को उस्ताद हैं, वो तो जानते हैं, मगर बहुत सारे कुछ नए लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बाज़ार से पारा लाते हैं, तो पारा जो होता है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी मेटल्स उसके अंदर मिक्स होती हैं, काफ़ी सारे दोष उसमें होते हैं। जब तक आप ये सारे दोष से पारे को मुक्त नहीं करते, उसको शुद्ध नहीं करते, तो ये आपकी जो भी क्रिया आप करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकती। ये शास्त्रीय विधि है, जब भी आपको काम लेना है पारद से तो पहले उसको शुद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करने के बाद उसको भूखा करना पड़ता है, फिर उसको बीज जारना होती है, फिर गंधक जारना होती है, फिर आप अपने प्रयोग में उसको कोई आगे आपका जो कोई नुस्खा है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पारद को शुद्ध कैसे करना है। तो दोस्तों पारद आप जितना भी बाज़ार से लेते हैं, मन के चलिए 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी पारद लेना है उसके वजन का बराबर वज़न आपको कॉपर लेना है, कॉपर का बुरादा लेना है। कॉपर को संग्रासक नहीं बनाना, उसको कजली नहीं करना, उसको संग्रासक जैसे गंधक के साथ कॉपर को उसकी भस्म बना लेते हैं वो नहीं चलेगी, कॉपर का बुरादा ही लेना है आपको। बहुत सारी कंपनियों का बना बनाया भी मिलता है, अगर आप खुद कर लें तो और भी अच्छा है। उसके साथ कॉपर को अच्छे तरीके से पारद और कॉपर को खरल करें, खरल करने के बाद डमरू यंत्र से या अर्धपातन यंत्र से, आप डमरू यंत्र की वीडियो मैंने शायद डाल रखी है, नहीं तो मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में बता देना, उसमें डालकर इसको उड़ाएं। कम से कम 3 से 4 घंटे जब आपको उड़ाएंगे तो ये सारा पारा आपका यहाँ पे जो कॉपर के साथ कॉपर की लाग से उठेगा वो एक प्रकार का कुछ शुद्ध हो जाएगा। कुछ मतलब आपको उसको शुद्ध नहीं मान सकते, या फिर यहाँ पे आप शिंगरफ से पारा को निकाल लें, शिंगरफ से भी इसी तरह डमरू यंत्र से, जहाँ और भी बहुत सारी विधियाँ हैं उससे शिंगरफ से पारा निकाल लें, तो ये पारा आपको लेना है आगे की जो प्रोसेस आप करना चाहते हैं रस रसायन का या कीमिया का। तो यहाँ पे जो पारा आपने उड़ाया है उस पारे को ले लें, उस पारे का वजन करें, उस वजन बस इसमें ये दोस्तों अब और एक अच्छी बात बता दूं कि यो जब भी आप काम करते हैं रसायन का तो इसमें नाप तोल का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी कोई भी काम करते हैं तो इसको नाप तोल कर करें, तभी आप कामयाब होंगे। तो जब आप ये पारा लेते हैं तो उसके बाद आपने लेना है, ये अब मैं छोटी वीडियो करता हूँ, लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपने अमल टास, अंकोल ये आप बाज़ार से मिलेंगे आराम से, छोटे छोटे बीज होते हैं, त्रिफला यानी कि हरड़, भेड़ा, आंवला, चित्रक की मूल, चित्रक की जड़ और एलोवेरा, ये सब आपको आराम से मिल जाएंगे। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने अमलतास का क्वास बनाना है। जैसे मान लो आपके पास 250 ग्राम अमलतास है तो उसको आपने 1.5 किलो पानी के अंदर बॉयल करना है धीमी आंच पर। जब ये सारा पानी सूख कर 1.5 किलो में से 100-200 ग्राम रह जाए तो उसको पुन छान के आप अलग कर लें। उस जो आपने ये क्वात बनाया खरल में उस पारे को डालें जो आपने कॉपर से निकाला, कॉपर का साथ जो उड़ाया गया है उसके अंदर ये इसके सिर्फ 5 से 6 चम्मच ही डालने हैं, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, 5 से 6 चम्मच पानी डालेंगे आप
उसके बाद उसको खरल करेंगे। इसमें यहाँ एक चाबी है, जो लोग ज़्यादा पानी डालते हैं खरल करते हैं फिर वो पानी निकाल देते हैं, इसके इससे आपका पारा भी वेस्ट होता है और आपका जो शुद्ध भी अच्छे तरीके से नहीं होता। इसमें आपने 2 से 4 चम्मच पानी, 5 चम्मच पानी डालना है कि बस आपका पारा ढक जाए अच्छे तरीके से। इसको खरल करें, इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा खरल करें, जब तक ये सारा पानी आपका सूख जाए, पारा एकदम इसमें ख़त्म हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा, रेता की तरह हो जाएगा। फिर जब इसको खरल करते करते पारा दोबारा से जिंदा शुरू होना हो जाए, दोबारा से पारा मिलेगा आपको उसी लिक्विड हालत में, तो आप इसको थोड़ा धूप में रखें, जो पारा फंसा होगा वो भी निकल जाएगा, बाकी उस पारे को निकाल लें, जो बाकी पीछे बच जाए आपका वो सूखा हुआ जिसमें पारा अभी भी आपका फंसा हुआ है, तो उसको आप में क्या करना है कि उसको आपने धूप में रखना है। फिर उसमें अगर धूप में नहीं रखना चाहते तो इसमें आप गर्म पानी डाल लें, पानी बढ़िया फ़िल्टर बिस्लेरी वगैरह का ले लें, जहाँ आरओ का पानी लें, उसमें गर्म गर्म करके पानी डालें, पानी बस थोड़ा सा डालना है कि वो लुगदी आपकी अच्छे तरीके से गीली हो जाए। उसके बाद उसको जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कपड़े की 5-6-10 तय करें रुमाल की, उसके अंदर ये घुमाएं, ये पारा जिंदा हो जाएगा, जितना भी पानी है या उसकी कालक है वो सारी कपड़े के साथ चिपक जाएगी। इस तरीके से आपने अमलतास, अंकोल और चित्रक त्रिफला के साथ शुद्ध करना है। उसके बाद आपने इसको एलोवेरा के साथ शुद्ध करना है। खरलाई आपकी कम से कम ये 6-6 अमल आपके करने हैं, यानी कि 24 मिनट या 1 घंटे की खरल करेंगे तो 6 घंटे खरल करना है अमलतास में, अंकोल में 6 घंटे, चित्रक में, त्रिफला में, फिर लास्ट में एलोवेरा के साथ। तो यहाँ पे जो आपका पारा होगा ये आप शुद्ध मानेंगे। इस पारे को आप आगे लेके जाएंगे भूखा करने की ओर तो ही आपकी जो क्रिया है वो सफल होगी, फिर ही आप इसमें स्वर्ण का बीज दे सकते हैं, जहाँ इसको कह लें कि स्वर्ण ग्रास करा सकते हैं। और जा अगर पारा भूखा होगा अच्छे से तो ही स्वर्ण ग्रास करेगा, अगर भूखा नहीं होगा तो ये स्वर्ण का ग्रास भी नहीं करेगा। तो आपको लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ आपका 4 दिन में काम होना है वहाँ 10 दिन में होगा, और अगर ये भूखा नहीं होगा तो हो सकता है 10 के भी 12 दिन लग जाएँ और ये अच्छे से खरल ग्रास भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आगे मैं एक और नई वीडियो डालूंगा आपको 1-2 दिन में ही, काफ़ी बिज़ी होता हूँ, टाइम नहीं मिलता, तो वीडियो काफ़ी देर बाद डाल रहा हूँ। तो आगे मैं थोड़े दिन में ही एक वीडियो आपको भूखे करने का भी अमल बताऊंगा कि पारद को भूखा कैसे करते हैं, राक्षसी भूखा कैसे करते हैं, जो स्वर्ण और अभ्रक को बड़ी आसानी से ग्रास करेगा, और ये सारे का सारा जो आपका जो प्रक्रिया है, अगर आप इस पारा इस तरीके से भूखा करते हैं, अभ्रक जारण करते हैं, अगर फिर भी आप नाकाम होते हैं तो फिर आप ये काम छोड़ें और अल्लाह भगवान और परमात्मा को याद करें। थैंक यू सर।